स्ट्रेस वालों का अगर किसी रखा जाए उसके बारे में आप लोगों को बताएं। जी बधाई। तो उनके जवाब आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोदी ने उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उमर यादव जी को देंगे। जो प्रेस वार्ता आज हमारे द्वारा रखी गई है उस संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। पिछले साल 25 जुलाई को हमने गंगाजल संकल्प यात्रा शुरू की थी और गंगाजल संकल्प यात्रा का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों तक न सिर्फ गंगाजल पहुँचाएँ हम, क्योंकि उस समय कोविड के कारण कांवड़ यात्रा बंद थी और हमने लगभग 40,000 लीटर गंगाजल पिछले साल क्षेत्र के तमाम गांवों में और शहरी एरियाओं में वितरित करने का काम किया। और उस समय चूँकि हम विधानसभा चुनाव की तैयारी, हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना भी चाहते थे। इसी कड़ी में इस साल एक बार फिर से गंगाजल संकल्प यात्रा हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आज 14 जुलाई है, आज सावन का पहला दिन, सावन का महीना और गंगाजल चूँकि हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है और चूँकि हमने पिछले साल गंगाजल यात्रा की थी उसमें हमारे राजनीतिक उद्देश्य भी थे, सामाजिक उद्देश्य भी थे, हमारे धार्मिक उद्देश्य भी थे, इस बार उन्हें हम लोग गंगाजल संकल्प यात्रा लेकर के आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत चूँकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों तक फिर से गंगाजल पहुँचाएँ और अपनी राजनीतिक बात, अपना राजनीतिक विचार भी क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करें। क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, बावजूद इसके हम लोगों के बीच में जाकर के लोगों की बात सुनकर के किस तरीके से उनकी बेहतरी के लिए राजनीतिक तौर पर हम काम कर सकते हैं, इस गंगाजल संकल्प यात्रा जिसको हमने इस बार नाम दिया है आभार गंगाजल संकल्प यात्रा। आभार इसलिए क्योंकि पिछली जो हमारी यात्रा थी उसको क्षेत्र के लोगों ने हाथों हाथ लिया था, हम लोगों को बहुत प्रेम और आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया और राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है लेकिन सेकुलर पार्टी नहीं है, वो एक तरफा बात करती है, तो हमने पिछली बार ये सिद्ध किया कि कांग्रेस पार्टी ही वास्तव में सभी समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये रही बात हमारी गंगाजल संकल्प यात्रा की। इसके साथ ही साथ बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं परीक्षाएँ उत्तीर्ण की, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, CBSE बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है अगले एक दो रोज में, ऐसी संभावना है आ जाएगा, तो हम ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को उनके गांव में जाकर के, उनके घर पे जाकर के उनकी सूची हमने अपने जो वहां लोकल गांव के शहर के कार्यकर्ता हैं हमारे पदाधिकारी उनके माध्यम से एकत्रित करनी शुरू कर दी है। तो उन मेधावी छात्र छात्राओं को हम उन्हीं के स्थान पे जाकर के सम्मानित करने का काम करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही साथ हमारा डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है, तो हम इस गंगाजल आभार गंगाजल संकल्प यात्रा के माध्यम से सदस्यता अभियान को भी गति देने का प्रयास करें। तो यही बात आप सभी साथियों के बीच में हमें रखनी थी कि हम गंगाजल संकल्प यात्रा का जो दूसरा एडिशन है उसको इस बार शुरू कर रहे हैं, सावन के पहले दिन से शुरू कर रहे हैं, 40 दिनों तक हमारी ये यात्रा चलने वाली है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के गांवों तक, कस्बों तक, शहरों तक हम जो हमारा शहरी एरिया वहाँ तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग सम्मानित करें और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों को, आम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा कैंपेन रहेगा और इसकी शुरुआत हम आज से विधिवत तौर पर हम लोग करने जा रहे हैं। जी दादरी विधानसभा उसका क्या असर रहा विधानसभा चुनाव में, क्या आपको देखने? देखिए पिछली बार जो गंगाजल संकल्प यात्रा थी 40,000 लीटर गंगाजल हमने बांटा तो लगभग 1,00,000 लोगों तक हम पहुँचे और हमें क्योंकि चुनावी राजनीति, संगठन की राजनीति और इलेक्शन कैंपेन या इस तरह के जो कैंपेन है ये इनका कोई आपस में ताल्लुक होता नहीं,
उसका फायदा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके का सोशल कैंपेन लेकर के लोगों के बीच में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी भी बिना राजनीति किए इस तरह का कैंपेन लोगों के बीच में चला सकती है, लोगों को अपने से कनेक्ट कर सकती है। तो लोगों ने बहुत सकारात्मक तरीके से उस कैंपेन को लिया और मुझे निजी तौर पर भी और कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारा संगठन बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गंगाजल संकल्प यात्रा में हमारा समर्थन जिन्होंने किया तो हमसे जुड़ेंगे। इस पर क्या कारण रहा है कि जो है कांग्रेस के प्रति लोग जो लोगों का विश्वास नहीं आ रहा है, तो जो लोग उसको अपना विश्वास नहीं दे मत नहीं देना चाहते हैं, रीज़न क्या है कांग्रेस में? कैसा ऊपर लेकर संगठन के रूप में कुछ कमी है या कार्यकर्ता या पार्टी में क्या ऐसी स्थिति है कि जो कि लोगों का विश्वास नहीं कांग्रेस प्रति आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज हमारे देश में जो अराजकता का माहौल है वो हमारी सरकार पर और सरकार की मंशा पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो जनता चाहती है वो सुख शांति चाहती है, सद्भाव चाहती है, उन्नति चाहती है, रोजगार चाहती है और किसानों का हित चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। लेकिन ये सरकार तमाम ऐसे मुद्दों से हटकर और जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर, ईद और दीपावली के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर राजनीति करती है। जबकि असलियत में हमारी जो मूलभूत ज़रूरत हैं उनकी तरफ इनका ना कोई ध्यान है और ना इनका कोई उस तरफ कोई कार्य करने का उद्देश्य है। रही बात, हमारा देश एक भावनाओं का देश है, हमारे देश की जनता की भावनाओं को भड़का करके, भावनाओं को आघात पहुंचा करके ये लोग इस समय सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, चुनावी मोड में ये लोग बड़े लुभावने अपने वादे करते हैं, हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, मुसलमानवाद की बात करते हैं। निश्चित तौर पे हमारे लोगों की भावनाओं को मतलब आहत करके ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये हमारी जो भावनाएँ हैं उनको एक जैसे कहेंगे कि एक आकर्षण का केंद्र बना करके कि भाई हमारी तरफ आइए, हम तुमको इतने रोजगार देंगे, जैसे कि वादा किया था 2 करोड़ रोजगारों का, जैसे कि वादा किया था महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था। तो तमाम सारी ऐसी लुभावनी बातों से ये हमारे लोगों का मन मोह करके और वोट ले लेते हैं, सरकार बना देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी मोड ख़त्म होता है और इनकी सरकार बन जाती है, आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और आम आदमी जो राजनीति से हट करके अपना जीवन व्यापन कर रहा है, वह आदमी भी आज की तारीख में ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का हाल श्रीलंका जैसा होने जा रहा है।